सुपर बात बच्चों पुनः ऑनलाइन क्लास की तरफ आते हुए, जैसा कि बेटा ये समय की मांग है, सरकार का सख्त निर्देश, कोरोना की वजह से क्लासेस चल नहीं सकती, नेचुरल जुलाई क्लासेस चलती थी, अब एकमात्र सहारा है ऑनलाइन। सो कुछ विशेष सावधानियां हमें बरतनी होगी। विशेष सावधानियों में कोरोना की जो भी गाइडलाइन दी गई है उसको अपने दिलो दिमाग में उतार लेना है, दूरी मेंटेन करनी है, हाथ को सैनिटाइज करते रहना है समय समय पर, और कम से कम भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाएं और कुछ भी खाने से पहले हाथ को एक बार जरूर धोएं। ये तो कुछ विशेष बातें हुई बेटा जिसको हम सावधानी बरत करके अपने को स्वस्थ रह सकते हैं। आज हम हिंदी की क्लास में पार्ट सेकेंड में और हिंदी सेकेंड हिंदी व्याकरण पार्ट एक भाषा लिपि बोली और व्याकरण इस पार्ट को पढ़ेंगे समझेंगे जानेंगे। तो सबसे पहले आइए हम पाठ की शुरुआत करते हैं। पाठ हमारा है भाषा लिपि बोली और व्याकरण। इनमें छोटे छोटे तीन चार पॉइंट हैं। पहला है भाषा लिपि बोली और व्याकरण। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं भाषा से। तो सहज मन में प्रश्न आता है कि भाषा क्या है। बेटा भाषा मनुष्य सामाजिक होने के नाते भाषा एक सामाजिक संपत्ति होती है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि मनुष्य कैसा प्राणी है, सामाजिक प्राणी है। मनुष्य जब सामाजिक प्राणी है बेटा तो उसे समाज में रहने के लिए अपने सुख दुख, अपने भाव, अपने हर्ष उल्लास खुशी को प्रकट करने के लिए कोई ना कोई एक जरिया चाहिए, एक माध्यम चाहिए। यानी वह कौन सा माध्यम हो जिसके माध्यम से वह व्यक्ति अपने मन के निहित भाव को दूसरे के सामने प्रकट कर सके। इस आवश्यकता को जब महसूस किया गया तब भाषा का खोज हुआ, भाषा बनी। और भाषा बेटा वह एक माध्यम बना जिसके द्वारा हम अपने विचारों को दूसरे के सामने रख पाते हैं और दूसरे के विचारों को ग्रहण कर पाते हैं। और यह भी बात सर्वविदित है कि भाषा सामाजिक संपत्ति है, न कि पैतृक संपत्ति है। भाषा की अगर बात करें तो भाषा सर्वप्रथम भाषा का जो अस्तित्व आया, सर्वप्रथम मौखिक भाषा का ही अस्तित्व आता है। सबसे पहले भाषा मौखिक भाषा ही व्यवहार में आती है। फिर बाद में आगे चलकर हमको लगा कि जब हमारे विचार हमारे तक ही सीमित हो जा रहे हैं, जो बोल रहे हैं सुन रहे हैं बस वहीं तक सीमित हो जा रही है, हमारी इस ज्ञान की जो परंपरा है वह आगे नहीं जा पा रही है, इसको स्थायित्व देने के लिए लिखित भाषा का भी धीरे धीरे आविष्कार होने लगा। तो कुछ इसी तरीके के बातें हम इस पाठ से सीखेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे इस भाषा शब्द का अर्थ। क्या जानेंगे? भाषा शब्द का अर्थ, उसके बाद भाषा की परिभाषा और भाषा का रूप। फिलहाल तीन पॉइंट पर हम चर्चा करते हैं आपसे। सबसे पहले हम इस भाषा शब्द पर फोकस करते हैं। भाषा का अर्थ, भाषा शब्द संस्कृत के भास धातु से बना है। कैसे बना है? संस्कृत के भास धातु से बना है, याद रखना आपको। भाषा शब्द संस्कृत के भास धातु से बना है और जिसका अर्थ होता है व्यक्त वाणी या बोलना। भास जो धातु है इसका अर्थ क्या होता है? व्यक्त वाणी या बोलना। अब ध्यान यह रखना है बेटा कि बोलना क्या, जितने भी जीव जंतु हैं, पशु पक्षी हैं, क्या सबका बोलना भाषा होता है? नहीं। तो कंडीशन है बोलना भी पशु पक्षियों का नहीं, मनुष्यों द्वारा बोली गई वाणी ही भाषा कहलाती है। जिस भाषा को हम पढ़ते हैं, देखते हैं, समझते हैं उसको क्या कहा गया? मनुष्यों द्वारा बोली गई व्यक्त वाणी को ही हम भाषा कहते हैं। क्लियर? तो भाषा का अर्थ हमने सीख लिया। भाषा संस्कृत के भास धातु से बना है जिसका अर्थ होता है व्यक्त वाणी या बोलना। और बोलना भी किसका? पशु पक्षियों का नहीं,
जानवरों का नहीं, मनुष्यों द्वारा बोली गई वाणी ही भाषा कहलाती है। ओके, अब हम देखेंगे भाषा की परिभाषा। भाषा की परिभाषा में बेटा दो परिभाषा हमने आपके सामने रखी है, जो इजी लगेगा उसको याद कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा। भाषा वह साधन है, पहली परिभाषा, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। परिभाषा क्या कह रही है? भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों का क्या करते हैं? आदान प्रदान, लेना और देना। हम अपने विचारों को क्या करते हैं? किसी के सामने प्रस्तुत करते हैं तो उसको देते हैं, और किसी की बातों को जब हम ग्रहण करते हैं तो उससे क्या करते हैं? लेते हैं। इसको कहते हैं विचारों का आदान प्रदान। प्रदान यानी देना, आदान यानी लेना। क्लियर? दूसरी परिभाषा, भाषा विचारों के आदान प्रदान करने का माध्यम है। क्या है? माध्यम, जरिया है, साधन है। विचार अभिव्यक्ति का माध्यम है, साधन है। भाषा क्या है? एक लाइन में परिभाषा होगी, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों को एक दूसरे के सामने प्रकट करता है, प्रस्तुत करता है। क्लियर बेटा? अब बात आएगी भाषा के रूप की। तो भाषा के मुख्य रूप से दो रूप होते हैं बेटा। कितने रूप होते हैं? दो। मुख्य रूप से कहने का रीजन यह है कि इसमें एक तीसरी भाषा का अनायास प्रयोग हो जाता है जिसको कहते हैं सांकेतिक भाषा। पर वह सांकेतिक भाषा वह उतने भाषा के मानकों को पूरा नहीं कर पाती, जिसलिए सांकेतिक भाषा को सिर्फ और सिर्फ किन ही जगह इस्तेमाल करते हैं, वह पूरे पूरे अर्थ की अभिव्यक्ति नहीं करा पाती, इसलिए सांकेतिक भाषा को जस्ट एक नाम मात्र के ही लिए पढ़ते हैं। पर यह जो भाषा के दो रूप है, मौखिक भाषा और लिखित भाषा, यह भाषा के मुख्य रूप से दो है। क्लियर? और कौन? मौखिक भाषा और लिखित भाषा। क्लियर? अब हम इनको व्याख्या करते हैं अलग से। मौखिक भाषा किसे कहेंगे, लिखित भाषा किसे कहेंगे, आगे हम उसको सीखेंगे। ओके, अब हम बात करेंगे बेटा भाषा के रूप। जैसा कि हम मौखिक रूप और लिखित रूप बताए थे, आइए जानते हैं मौखिक रूप किसे कहते हैं। मौखिक रूप बेटा जब हम अपने विचारों को बोलकर दूसरों तक पहुंचाते हैं तब वह भाषा का मौखिक रूप कहलाता है। ठीक है, उसे हम मौखिक भाषा भी कहते हैं। जब हम अपनी बात दूसरों तक बोलकर पहुंचाते हैं तब वह भाषा का मौखिक रूप यानी मौखिक भाषा कहलाता है। जैसे मोबाइल पर बातचीत करना, भाषण देना, कविता सुनाना, रेडियो सुनना आदि। ये सब देखिए इसमें क्या हो रहा है, किसी के विचारों को हम मौखिक रूप में सुनते हैं। अब देखिए बातचीत करना तो हम अपने विचारों को बोलते हैं, भाषण देना हम खुद बोलते हुए अपने विचारों को रखते हैं, कविता भी सुनाना कविता हम सुनाते हैं बोल करके ही, और रेडियो में किसी की बात को हम सुनते हैं बेटा, वह मौखिक रूप से ही वह बात होती है। इसलिए भाषा अपने विचारों को जब हम बोलकर दूसरे तक पहुंचाते हैं तो उस भाषा को कौन सी भाषा कहते हैं? मौखिक भाषा। दूसरा होता है लिखित भाषा। जब हम अपनी बात लिखकर दूसरों तक पहुंचाते हैं, बस ध्यान इसमें कुछ नहीं देना है, ध्यान ये देना है कि जब हम अपनी बात को बोलकर दूसरे तक पहुंचाएंगे तब वह भाषा का मौखिक रूप होगा, और जब हम अपनी बात दूसरों तक लिखकर पहुंचाते हैं तब वह भाषा का लिखित रूप कहलाता है। जैसे पत्र लिखना, विद्यार्थी हैं आप, विद्यार्थी जीवन में आए दिन पत्र लिखते हैं आप, तो देखिए पत्र में होता क्या है, हम अपने विचारों को बोलते नहीं हैं, कॉपी और पेन लेकर के उसमें लिख देते हैं और हमारे विचार पढ़ने वाला पढ़ करके समझ लेता है। तो पत्र लिखना लिखित रूप, समाचार पत्र पढ़ना ये भी लिखित रूप है, पुस्तक पढ़ना, मैगजीन पढ़ना आदि। इस प्रकार से ये भाषा के रूप, भाषा के कौन कौन से रूप? दो रूप, मौखिक भाषा और दूसरा लिखित भाषा। क्लियर हुआ? अब बात आती है बेटा भाषा के विविध रूप भी होते हैं। भाषा के विविध रूप में
उसमें सबसे पहले आएगा मातृभाषा, फिर राजभाषा, फिर राष्ट्रभाषा। मातृभाषा किसे कहते हैं? मातृभाषा उस भाषा को कहते हैं बेटा जिसे बच्चा सर्वप्रथम अपनी मां से सीखता है। मातृभाषा किसे कहते हैं बेटा? मातृभाषा उसे कहते हैं जिसे बच्चा सर्वप्रथम अपनी मां से सीखता है, उसे कौन से भाषा कहते हैं बेटा? मातृभाषा। और मातृभाषा का संबंध बच्चे के परिवार से होता है। किसे संबंध होता है बेटा? बच्चे के परिवार से होता है। हर बच्चे की मातृभाषा एक नहीं हो सकती, यह ध्यान देने वाली बात है। पहली बात की मातृभाषा बच्चे के माँ और उसके घर आसपास पड़ोस परिवार से संबंध रखती है। दूसरी विशेष बात कि हर बच्चे की मातृभाषा एक नहीं हो सकती, वह इसलिए बेटा क्यों? क्योंकि दक्षिण भारत में जन्मे बच्चे जो तमिल भाषी हों, जिनके माता पिता कन्नड़ भाषी हों, मलयालम, तेलुगु आदि भाषाओं को बोलने वाले हों, तो उन वहां का जन्मा बच्चा वहां की उसकी जो मातृभाषा होगी तमिल, तेलुगु, कन्नड़ होगी, और इधर उत्तर भारत पूर्वांचल आदि के इलाकों में जन्म लेने वाले बच्चे की मातृभाषा इस तरह से भोजपुरी होगी, अन्य भी अदर भाषाएं बोली जाती है, ठीक। तो यानी मातृभाषा उसे कहेंगे जो सर्वप्रथम बच्चा अपनी मां से सीखता है, उसे क्या कहेंगे हम? मातृभाषा। क्लियर? आगे देखते हैं राजभाषा। राजभाषा, राजभाषा वह भाषा कहलाती है बेटा जिसका प्रयोग राजकीय कार्यों में किया जाता है। कैसे कार्यों में किया जाता है? जिस भाषा का प्रयोग राजकीय कार्यों में किया जाता है उसे हम राजभाषा कहते हैं। राजकीय कार्य यानी सरकारी कार्यों में, जो सरकारी कार्य होते हैं उसमें जिस भाषा का प्रयोग होता है उसे हम राजभाषा कहते हैं। तो हिंदी हमारी क्या बेटा? राजभाषा है। हिंदी क्या है? राजभाषा है। 14 सितंबर सन 1949 ईस्वी को भारतीय संविधान में इसे राजभाषा का दर्जा मिला। कब दर्जा मिला? 14 सितंबर 1949 ईस्वी को राजभाषा का दर्जा कब मिला, ये याद करने वाली बात है। 14 सितंबर सन 1949 ईस्वी को, ठीक, भारतीय संविधान में इसे राजभाषा का दर्जा मिला। इसीलिए प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 14 सितंबर को किस लिए हिंदी दिवस मनाया जाता है? इसलिए क्यों? क्योंकि इसी दिन 14 सितंबर को सन 1949 ईस्वी में संविधान के अनुच्छेद 343 में, खासतौर से 343 में भारत की राजभाषा हिंदी घोषित की गई। इसीलिए इसे प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। वह क्यों? क्यों का उत्तर आगे है। राष्ट्रभाषा, राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं बेटा? यह वह भाषा कहलाती है जिसका प्रयोग पूरे राष्ट्र में किया जाता हो, यानी उस भाषा को राष्ट्रभाषा कहते हैं बेटा जिसका प्रयोग पूरे राष्ट्र के लोग, पूरे राष्ट्र में प्रचुरता से बोली जाती है, समझी जाती है, उसे ही हम राष्ट्रभाषा कहते हैं। क्लियर? तो आज हमने भाषा का अर्थ, भाषा की परिभाषा, भाषा के रूप और भाषा के अन्य रूप आदि बातों को सीखी। अगली कक्षा में बेटा आपसे हम जब मिलेंगे